दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस के शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल और जीत के बाद गुजरात टाइटंस को पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा। तो क्या है पॉइंट्स टेबल बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप आईपीएल 2023 में किस टीम को सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। दोस्तों आईपीएल 2023 का 35वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किए। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत शानदार रहा और गुजरात टाइटंस की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए, जहां गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे ज्यादा सुमन गिल 56 रन बनाए। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा पीयूष चावला 2 विकेट चटकाए। जवाब में 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहा और मुंबई इंडियंस यह मुकाबला हार जाती है। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं गुजरात टाइटंस के जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों नंबर 1 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीत कर पॉइंट्स टेबल में 10 अंक अर्जित की है। वहीं दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीत कर पॉइंट्स टेबल में 10 अंक हासिल कर चुकी है। जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती है और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। वहीं चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले में जीत हासिल की है और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। जबकि पांचवे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीत कर पॉइंट्स टेबल में 8 अंक अर्जित की है। वहीं छठवे नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती है और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक हासिल की है। जबकि सातवें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 6 अंक अर्जित की है। वहीं आठवें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। जबकि नवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4 अंक अर्जित की है। वहीं दसवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।